ये कहानी नहीं, पत्थर और चूना बहुत था, लेकिन अगर थोड़ी सी जगह पे दीवार की तरह उभर कर खड़ा हो जाता तो घर की दीवारें बन सकता था, पर बना नहीं। वह धरती पे फैल गया सड़कों की तरह, और वे दोनों तमाम उम्र उन सड़कों पे चलते रहे। सड़कें एक दूसरे के पहलू से भी फटती, एक दूसरे के शरीर को चीर कर भी गुजरती, एक दूसरे के हाथ छुड़ा कर गुम भी हो जाती, और एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे में लीन भी हो जाती। वे एक दूसरे से मिलते रहे, पर सिर्फ तब जब कभी कभार उनके पैरों के नीचे बिछी हुई सड़कें एक दूसरे से आकर मिल जाती थी। घड़ी पल के लिए शायद सड़कें भी चौंक कर रुक जाती और उनके पैर भी, और तब शायद दोनों को उस घर का ध्यान आ जाता जो बना नहीं था। बन सकता था, फिर क्यों नहीं बना? वे दोनों हैरान से होकर पांव के नीचे की ज़मीन को ऐसे देखते जैसे ये बात उस ज़मीन से पूछ रहे हों। और फिर वे कितनी देर ज़मीन की ओर ऐसे देखते रहते, मानो वे अपनी नज़र से ज़मीन में उस घर की नींवें खोद देंगे। और कई बार सचमुच वहाँ जादू का एक घर सा उभर के खड़ा हो जाता, और वे दोनों ऐसे सहज होकर मानो उस घर में रह रहे हों। यह उसके भरपूर जवानी के दिनों की बात नहीं, अब की बात है, ठंडी उम्र की बात कि आ एक सरकारी मीटिंग के लिए सा के शहर गई। आ को भी वक्त ने सास जितना सरकारी ओहदा दिया है, और बराबर की हैसियत के लोग जब मीटिंग से उठे, सरकारी दफ्तर ने बाहर के शहरों से आने वाले के लिए वापसी टिकट तैयार रखे हुए थे। सा ने आगे बढ़कर आ का टिकट ले लिया और बाहर आकर आ से अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। पूछा, सामान कहाँ है? होटल में। सा ने ड्राइवर से पहले होटल और फिर वापस घर चलने के लिए कहा। आ ने आपत्ति नहीं करी, पर तर्क के तौर पर कहा, प्लेन में सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं, होटल होकर मुश्किल से एयरपोर्ट पहुंचूंगी। प्लेन कल भी जाएगा, परसों भी, और रोज। हफ्ते भर कुछ नहीं कहा, होटल से सूटकेस लेकर के गाड़ी में रख लिया। तो एक बार आने फिर कहा, वक्त थोड़ा है, प्लेन मिस हो जाएगा। सा ने जवाब दिया, घर पर माँ इंतज़ार कर रही होगी। आप सोचती रही कि शायद सा ने माँ से इस मीटिंग का दिन बताया हुआ था, पर वही समझ नहीं सकी क्यों बताया था। इतनी बात मैंने आपको सुनाई है, आप यकीनन समझ गए होंगे कि ये जो कहानी है ये कहानी नहीं है। अमृता जी ने भी इसका नाम यही दिया है कि ये कहानी नहीं है, लेकिन ये कहानी ही है। इसमें आ है अमृता और सा है साहिर। अमृता जी ने एक जगह लिखा है, ये मेरा और साहिर का रिश्ता रिश्तों की किसी पहचान की पकड़ में नहीं आएगा, इसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। अभी इन दिनों नेहरू और एडविना की मोहब्बत की दास्तां के ब्यौरे से लिखी हुई कई कहानियां सामने आई हैं, जिसमें यह जिक्र भी है कि नेहरू कभी कभी उस लेडी माउंटबेटन को मीरा कह के बुलाते थे। एडविना एक दिन देखती सी रह गई जब गांधी जी ने कहा, मैं तुझे देखते ही पहचान गया था कि तू पूर्व जन्म में भारत में पैदा हुई थी और तेरा नाम मीरा था। और पास खड़े जवाहरलाल नेहरू जी से गांधी जी ने पूछा, क्यों जवाहर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? और जवाहरलाल जी के चेहरे पे एक गुलाबी रंग उतर आया, कहने लगे, हाँ ठीक कह रहे हो। नेहरू और एडविना के बरसों लंबे रिश्ते में कभी खंडरात में कभी फूलों की वादियों में बैठी हुई वह घड़ियाँ आईं जिनको किसी रिश्ते का नाम नहीं दिया जा सकता। उनके रिश्ते में तन नहीं थे, सिर्फ मन थे, जिसे धड़कते हुए कुछ धरती ने सुना, कुछ आकाश ने। मेरा और साहिर का रिश्ता भी कुछ इसी रोशनी से पहचाना जा सकता है जिसके लंबे बरसों में कभी तन नहीं रहा, सिर्फ मन था जो नज़मों में धड़कता रहा। हाँ, एक वाक्य याद आता है, 1996 में जब मैं पहली बार जासनिया पोलियाना गई थी रूस की उस टॉलस्टॉय स्ट्रीट में, और वहाँ जो खामोशी का गीत सुना उसे हर भी नहीं दिया जा सकता। टॉलस्टॉय के 22,000 किताबों वाले कमरे में भी मैं खामोश बैठी रही और वे किताबें भी। फिर जब साथ वाले छोटे कमरे में गई जो कभी उनका सोने वाला कमरा था, वहाँ एक दीवार पर एक सफ़ेद कमीज टंगी हुई थी जो टॉलस्टॉय ने आखिरी दिनों में पहनी थी, और इतने में खिड़की से हवा का एक झोंका आया और वह कमीज हिल गई।
और उसकी एक आस्तीन मुझे आहिस्ता से छू गई। मैं कंपन सा महसूस करती कि मेरे बदन में एकदम से हरारत सी उतर आई। लगा जैसे टॉल्स्टॉय ने एक हाथ बढ़ा करके मेरे कंधे को छू लिया हो। और फिर जहाँ जंगल में उन्हें दफनाया गया था, वहाँ मैं बहुत देर तक बैठी रही। वहाँ पेड़ों के पत्ते बरस रहे थे और मैं एक पत्ता उठा करके अपने साथ ले आई, जो आज भी मेरी हकीकत को संभाले हुए मेरे पास पड़ा हुआ है। दोस्तों, कुछ इसी तरीके से अमृता जी लिखती रहीं और मैं आगे भी आपको उनके लिखे से रूबरू कराती रहूँगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।